कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद अंबिका सोनी का जन्म 1942 में हुआ। 1969 में उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की, तब से लेकर उन्होंने गांधी परिवार के बेहद करीब रहकर पार्टी में काम किया। इंदिरा गांधी से लेकर सोनिया गांधी तक वो गांधी परिवार की विश्वास पात्र बनी रही हैं। वो यूपीए सरकार में सूचना और प्रसारण मंत्री भी रही हैं, लेकिन ये पहला मौका है जब अंबिका सोनी लोकसभा चुनाव लड़ रही हैं। पार्टी ने उन्हें आनंदपुर साहिब सीट से प्रत्याशी बनाया है। घोषणा पत्र विच बहुत साफ शब्दों में ऐलान किया है कि अगले 5 साल में 10 करोड़ नौकरियां हिंदुस्तान में खड़ी की जाएंगी और मैं तो वायदा करूंगी अगर तुम मेरा साथ देता। अंबिका सोनी सुबह सही 9 बजे अपने चंडीगढ़ के घर से चुनाव प्रचार के लिए निकलती हैं। आज वो विधानसभा हलका चमकौर साहिब जा रही हैं और चंडीगढ़ से चमकौर साहिब के उनके पहले पड़ाव के बीच उन्होंने हमें बातचीत का कुछ समय दिया है। अंबिका सोनी जी, आपको लंबा अनुभव है संसद में रहने का, आप कैबिनेट में भी रही हैं, कांग्रेस के बड़े पदों पर रही हैं, संगठन के अगर कहें, आप पंजाब की अध्यक्ष भी रही हैं कांग्रेस की, लेकिन लोकसभा चुनाव पहली बार लड़ रही हैं, किस क्या फ़र्क पाती हैं आप, कोई फ़र्क लगता है आपको? बहुत ज़्यादा फ़र्क है, क्योंकि अब लोकसभा का चुनाव लड़ना और हलका इतना ज़्यादा बड़ा है, 135 किलोमीटर लंबा है, शायद सबसे बड़ा हलका है, ग्रामीण है, तो हर जगह पर पहुंचना, लोग उम्मीद करते हैं कि कैंडिडेट पहुंचे, और पहुंचना भी चाहिए, संभव नहीं है। तो मैं कोशिश कर रही हूं कि सुबह 9 बजे जब निकलती हूं तो 12 बजे तक तो फील्ड में ही रह रही हूं, तो मुश्किल तो है ही, और लोगों की आशाएं इतनी ज़्यादा हैं, और जो स्थानीय मुद्दे हैं जो अक्सर MLA स्तर तक निपट जाने चाहिए, नहीं हो रहा है। छोटी छोटी चीज़ें जो कई दफ़ा सुनने को यकीन नहीं होता कि लोग इन छोटे मुद्दों पर सालों परेशान हैं, तो मुश्किल तो है। लेकिन मसलन आप बिल्कुल सही बात कह रही हैं शायद, क्योंकि कल हम लोग आनंदपुर साहिब जो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसके कुछ हिस्से में घूमे, लोगों से बात की हमने, वहाँ पर कई तरह की बातें सामने आती हैं, जैसे आनंदपुर साहिब की अगर आप बात करें, पंजाब की हिस्ट्री के लिहाज से भी और सिख हिस्ट्री के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण जगह है, लेकिन लोगों का ये मानना है कि कुछ खास दिनों पर ही वहाँ पर इंटरनेशनल या नेशनल लेवल के टूरिस्ट आते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तक वहाँ पर तैयार नहीं हुआ है, नशा एक बड़ा मुद्दा है, और ऐसे कौन से इश्यूज़ हैं जो? नशा बहुत बड़ा मुद्दा है, 60-70% लोग आज स्मैक खाने के आदि होते जा रहे हैं, और ये एक व्यापार बन गया है। जो खतरे की बात है कि यह एक व्यापार बन गया है, और जब सिंथेटिक ड्रग्स आप लेते हैं तो वो ज़्यादा हानिकारक होते हैं, लेकिन अब इसके पीछे ज़रूर सोचने की ज़रूरत है, और मैं कोशिश करती हूँ कि अपने छोटे छोटे भाषणों में इस बात पर रोशनी डालूँ कि ये तब होता है जब लोग पढ़ लिख गए, उनको मौका मिला पढ़ाई लिखाई करने का, मगर रोज़गार नहीं मिला, या वो भ्रष्टाचार से इतने तंग हैं कि अपने भविष्य के बारे में मायूस हैं, तब गलत रास्ते पर जाते, तो वो तो मैं कहूँगी बड़े मुद्दे हैं। मेरे सामने जब मैं अपने MLA साथियों के साथ उनके हलकों में जा रही हूँ तो वहाँ तो ये है कि भाई सुअरेज की लाइनें नहीं पड़ रही हैं, गंदगी है, ब्लॉकेज है, हैं वहाँ स्ट्रीट लाइटिंग नहीं है, कानून व्यवस्था काफ़ी बिगड़ती जा रही है, दिन दहाड़े आपके पेट्रोल पंप से चोरी, दुकानों की चोरी, महिलाओं की सुरक्षा खतरे में है, तो ये बातें जो विधानसभा के चुनाव तक निपटनी चाहिए, ये क्योंकि कोई इन पर ध्यान नहीं देता है, तो ये अब लोकसभा के मुद्दा बन गया। अगर मैं आज लोकसभा के अपने घोषणा पत्र के आधार पर कहूँ कि हमारी विदेश नीति ये रहेगी, हमारी आंतरिक सिक्योरिटी की नीति ये होगी, या हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ के ये आंकड़े हैं, लोग उससे कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। जो मुद्दे कनेक्ट कर पाते हैं कि अच्छा भाई हम 10 करोड़ नौकरियाँ देंगे, तो क्योंकि हमारा एक इलाका है, अभी आप पूरा नहीं घूमे हैं, कंडी इलाका बीट इलाका कहला जाता है,
जहाँ सतलुज के किनारे पर पानी इतना नीचे गिर गया कि आप 300-350 फुट भी खोदें तो डीप बोर ट्यूबवेल भी काम नहीं कर रहे हैं और सिंचाई के इरिगेशन के दूसरे साधन उपलब्ध नहीं हैं, तो वो ज़मीन काफ़ी अब एक उपजाऊ नहीं रही उस हद तक, और फिर वहाँ जंगली जानवर हैं। अब वायदा किया गया, अब इससे अंदाज़ा लगाइए कि जंगली जानवरों से खेतों को बचाने के लिए सरकार ने वायदा किया था कि वो बार्ब्ड वायर सब्सिडाइज रेट पे देंगे। सब्सिडाइज रेट मतलब मुफ्त नहीं, आज तक नहीं दी, 2.5 साल हो गए सरकार को, किसान मजबूर हैं बाहर रात को खेतों में सोने के लिए। अब उनके लिए ये सबसे अहम मुद्दा है कि रात रात बाहर सो अपने खेत में, अब उनको क्या लगा कि आप क्या कर रहे हो दिल्ली में। सिख धर्म के इतिहास की बात करें या फिर पंजाब के राजनीतिक इतिहास की, दोनों ही दृष्टि से आनंदपुर साहिब बेहद महत्वपूर्ण है। 1665 में इस शहर की स्थापना गुरु तेग बहादुर ने की और सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने इसी शहर में खालसा पंथ की स्थापना की। 1999 में 300 साल खालसा पंथ ने पूरे किए और उस वक्त यहाँ पर एक बड़ा उत्सव किया गया जिसमें दुनिया भर से आकर लोग शामिल हुए। कहा जाता है कि उस उत्सव के बाद से यहाँ के आर्थिक हालात बदले हैं और आनंदपुर साहिब सिखों का एक बेहद महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान बनकर उभरा है। आइए इसकी पड़ताल करते हैं कि 300 साल के अवसर पर खालसा पंथ को लेकर जो उत्सव यहाँ पर हुआ उसने किस तरह से यहाँ की अर्थव्यवस्था या यहाँ पर रोजगार के सृजन में कोई मदद की। इस वक्त हम आनंदपुर साहिब के गुरुद्वारे से लगे हुए बिल्कुल करीब की मार्केट में, आइए बात करते हैं लोगों से कि खालसा पंथ के 300 साल पूरे होने पर जो उत्सव हुआ था क्या उसने यहाँ के कुछ आर्थिक हालात में, कुछ आर्थिक गतिविधियों में बदलाव लाया है। आप कहाँ से आए हैं? मैं फिरोजपुर से आया हूँ जी। पहले भी आप आए हैं आनंदपुर साहिब? बहुत बार आया हूँ जी। तो ये बताइए कि 1999 से पहले जब 300 साल पूरे हुए उसके बाद बड़ा उत्सव हुआ और अभी में कुछ फ़र्क नज़र आता है आपको? बहुत फ़र्क नज़र आ रहा है जी। अब ऐसे है भी हम फिरोजपुर से चल के हमारे गांव में, हम 17 प्राणी हैं जो 1999 के बाद अमृत पान किया हमने, और इसके अलावा हम हर साल होले मोहल्ले में आते हैं, होला बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। प्रबंध बहुत अच्छे, श्रोमणी कमेटी के यहाँ पर लंगर की व्यवस्था बहुत अच्छी है, रहने का प्रबंध बहुत बढ़िया है, रोड बहुत अच्छे बन गए हैं, अब 10-12 साल बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है यहाँ पर। लेकिन अगर आप अमृतसर के स्वर्ण मंदिर से तुलना करें आनंदपुर साहिब की, क्या आपको लगता है कि अभी भी काफ़ी डेवलप किया जा सकता है इसको, क्योंकि वहाँ दुनिया भर से लोग आते हैं, दुनिया भर में उसकी चर्चा होती है, क्या आपको लगता है कि आनंदपुर साहिब वो जगह आनंदपुर साहिब को मिल पाई है? चाहिए, डेवलपमेंट होनी चाहिए यहाँ पर जरूर जी, डेवलपमेंट कुछ काम हो रहे हैं, कुछ होने चाहिए, कुछ कमी दिख रही है यहाँ पर। ये भी देखा जाता है कि अगर आनंदपुर साहिब कोई आता है तो उसको रहने के लिए चंडीगढ़ जाना पड़ता है, अभी भी उस तरह का इंतजाम यहाँ पर नहीं हुआ है। जो 300 साल बनाया ना सेंटर गवर्नमेंट ने 300 करोड़ आई थिंक मे बी दी फिगर करैक्ट और नॉट दिता, वह सारा इतने लगा, लेकिन बहुता ऐसे उत्ते लग गया ना जो परमानेंट नहीं सी चीज़ा, वो बना दते बाथरूम बनाते, तंबू बनाते टेंपरेरीली, वो पैसा कितने पक्के चीज़ा ते लग जाता ना, फिर उन्होंने रेनोवेट किया जाता बहुत कुछ हो जाना सी जी। तो कुल मिलाकर यहाँ लोगों का ये मानना है कि 1999 में जब खालसा पंथ के 300 साल पूरे हुए उसके बाद आनंदपुर साहिब की तस्वीर बदली, यहाँ के रास्ते बहुत ही खूबसूरत हुए, यहाँ पर और भी फैसिलिटीज़ जो हैं वो भी अच्छी हुई, लेकिन अभी भी गुंजाइश बहुत है, स्कोप बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर खुली जगह है, ये हिमालय के तराई में बसा हुआ क्षेत्र है और सिख पंथ के लिहाज से बहुत ही पवित्र इस जगह को माना जाता है। कुल मिलाकर ये ज़रूर कहते हैं कि 1999 के बाद आनंदपुर साहिब बदला है, लेकिन अगर आप अमृतसर के स्वर्ण मंदिर से तुलना करें उस तरह से अभी भी कोई बड़ा टूरिस्ट स्पॉट बनकर आनंदपुर साहिब उभरा है ये नहीं कहा जा सकता।
अंबिका सोनी जी, आपने मुद्दों की बात की। जाहिर है कि जो मुद्दे म्यूनिसिपल लेवल पर या विधानसभा के लेवल पर निपटने चाहिए, अगर वो सांसद से उम्मीद करते हैं तो इसमें थोड़े से अफसोस की बात है। लेकिन पंजाब में ये कहा जाता है कि अकाली दल की सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी तो है, लेकिन एक टीना फैक्टर भी है, देर इज़ नो अल्टरनेटिव, क्योंकि अपोजिशन संगठित नहीं रही है पंजाब में। देखें, टीना फैक्टर मेरा नहीं ख्याल पंजाब में एप्लीकेबल है। 2012 में जब विधानसभा के चुनाव हुए थे, बिल्कुल माहौल और पार्टी तैयार थी कि अब इस दफ़ा हमारी बारी है सरकार बनाने की, क्योंकि ये एक परंपरा रही है। हो सकता है कि माहौल हमारे पक्ष में इतना ज़्यादा था कि कुछ गलती जो हमसे हुई कि हम ज़रा कंप्लेसेंट हो गए। शायद टिकट के बांटने में हमने सोचा जिसको भी खड़ा करेंगे जीत जाएगा, ऐसे होता नहीं है। अगर आप वर्कर की, जो कांग्रेस का वर्कर है जिसने लोगों के साथ संपर्क रखा है, उसको आप टिकट के वक्त नज़रअंदाज करेंगे तो फिर वो अपने दिल से काम नहीं करता। तो ये कुछ गलतियां हमसे हुई, नहीं तो कोई कारण नहीं था कि हमारी सरकार 2012 में नहीं बनती। अब 2.5 साल हुए हैं, आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि पार्टी, जैसे अक्सर होता है हमारी कांग्रेस पार्टी भी ज़्यादातर सिटिंग MPs को अकोमोडेट कर देते हैं, लेकिन इस दफ़ा एक चेंज ऑफ थिंकिंग हुआ था हमारी लीडरशिप में कि हम अल्टरनेटिव लोगों को देना चाहते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशानी है। अब अंदाज़ा नहीं लगा सकते जितने लोगों पर जो उनके साथ राय नहीं मिलता। कोई चुना हुआ सरपंच है, उनको कहते हैं आ जाओ अकाली दल में, नहीं तो देखना 2 दिन के बाद पर्चा आ जाता है, उसके हर तरह के 302, 307 सब हर तरह के पर्चे उन पर, वो परेशानी, लोग डरते हैं, सहमे हुए हैं। पुलिस लाठी चार्ज, ज़रा ज़्यादा लाठी का उपयोग करती है, लोग डरे हुए हैं। नौजवान जो बेरोज़गार हैं, 2 लाख नए वोटर आ रहे हैं, आप खुद सोचिए उनका क्या माइंडसेट होगा, क्या किसको वोट करें। तो कांग्रेस लीडरशिप ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को अमृतसर से खड़ा किया, प्रताप बाजवा को गुजरात गुरदासपुर से, मुझे बिट्टू की जगह यहाँ किया क्योंकि मैंने यहाँ बहुत काम किया हुआ है, और बिट्टू को लुधियाने में। तो एक बहुत स्ट्रांग मैसेज दिया है कांग्रेस पार्टी ने अपने काडर को, यूनिटी कर लो, अब तुम्हारे हम सोच रहे हैं। और लोगों को भी कि हमारे जो सबसे ज़्यादा अनुभवी चेहरे हैं, पर्सन्स हैं, लीडर्स हैं, हम उनको सामूहिक तौर पर आपको दे रहे हैं, तो आपके पास एक अल्टरनेटिव बन सकता है। तो मैं समझती हूँ इससे बहुत एक माहौल में फ़र्क पड़ा है। अंबिका सोनी का चुनाव प्रचार पूरी तरह से पार्टी के कार्यकर्ताओं के हाथ में है। वो पार्टी के विधायकों और पदाधिकारियों को अपने प्रचार में साथ रखती हैं। रैली स्थल पर पहुंचने पर वो सबसे पहले आयोजकों से मिलती हैं। हालांकि ये मुलाकात बहुत मुख्तसर सी होती है। उनकी सभाओं में अच्छी भीड़ जुट रही है, लेकिन मंच पर जाने से पहले वो सभा में मौजूद महिलाओं से मिलना नहीं भूलती। और चर्चा हो रही है भारतीय जनता पार्टी की, का अगर जिक्र करो जो अकाली दल के साथ मिलकर यहाँ चुनाव लड़ रही है, नरेंद्र मोदी फैक्टर की बहुत बात हो रही है। क्या आपको लगता है कि पंजाब में नरेंद्र मोदी फैक्टर ने थोड़ी मुश्किल की है आपकी लड़ाई? देखिए, मुझे दूसरी जगहों का तो पता नहीं। यहाँ हम लोग जब कैंपेन में, मेरे को भी अब 12 दिन तो हो गए, पर्चा भरने से पहले ही मैं लग गई थी, मुझे नरेंद्र मोदी के बारे में तो यहाँ कोई चर्चा कोई करता नहीं है, क्योंकि रूरल कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहाँ भाजपा नॉन एग्जिस्टेंट टाइप है। बसपा का जो उम्मीदवार है उसके बारे में BSP को छोड़ छोड़ कर लोग हमारी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, जहाँ जहाँ जाती हूँ आते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि ये जो BSP का कैंडिडेट है, ये BSP के कार्डर से जुड़ा हुआ नहीं है, ये तो सिर्फ टिकट लड़ने के लिए आया है, तो वो
कनेक्ट नहीं हो रहा, इसलिए आ रहे हैं। और अकाली दल को सूट करता है कि बीजेपी का उम्मीदवार खड़ा हो जाए, उनको क्या कि ये बीजेपी के काडर, बीएसपी के काडर को रखेगा कि नहीं, वो तो समझते हैं जितनी वोट बीएसपी को पड़ेगी कांग्रेस को खर्च। अब जहाँ तक अकाली दल है, उनका प्रेजेंस है कुछ स्टेटों में, बट उनके उम्मीदवार क्योंकि वो चार चार हल्के बदल कर यहाँ आए, उनकी जो विश्वसनीयता है उस पर एक प्रश्न चिन्ह ज़रूर है, और उसको ज़रूर हम एक्सपोज करते हैं। हर जगह वो लड़ते हैं, हारते हैं, अगले उनका जो एक इतिहास है राजनीतिक सियासी जीवन का, वो भी उसमें भी बहुत से प्रश्न चिन्ह लगे। मैं उसका जिक्र इसलिए नहीं करना पसंद करती क्योंकि मैंने कोशिश की है कि अपनी कैंपेन को मैं पॉजिटिव बनाऊं, और पॉजिटिव बनाने के पास लिए मेरे पास इतनी ज़्यादा सामग्री है कि हमने 10 सालों में क्या किया, हमारे नेतृत्व ने अगले 5 सालों के लिए क्या वायदा किया है, और अगर हम अपने दिए हुए वायदे पूरे नहीं करते तो हमें पिछले 10 साल सरकार बनाने का मौका नहीं मिलता। तो मैं तो इसको पॉजिटिव में ले जाती हूँ। अगर कुछ नेगेटिविटी यही हो सकती है कि भाई इन्होंने भी देखिए पेंशन के, बुढ़ापा पेंशन के पूरे नहीं करते हैं। हिमाचल, हरियाणा, अभी हाल तक दिल्ली, हमारी सरकारों ने कितनी पेंशन दी है हमारे मैनिफेस्टो में लिखा है। तो मैं आई ट्राई के इसको मैं पॉजिटिव एक दिशा दूं। जहां तक नरेंद्र मोदी की बात है, मैंने होर्डिंग ज़रूर बड़े बड़े देखे, और मैं इस बात को तो ज़रूर कहती हूं कि भाई कैसा अकाली दल का नेता है, उम्मीदवार है, कि अपने पार्टी के नेता का नाम ना उछाले, बने ना बने कोई बात नहीं, हर पार्टी का वर्कर को कहना चाहिए कि मेरा, मैं कहती हूँ राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे, तो ये भी कहे जी। हाँ, ये अपनी पार्टी के लीडर्स को छोड़कर नरेंद्र मोदी के पास गए, और हाल में जो नरेंद्र मोदी जी के बारे में, उनकी सरकार के बारे में यहाँ छपा था कि हज़ारों पंजाब के किसान जो 50-50 साल से बंजर ज़मीन को वो मेहनत कर कर बोते आए, उसको उपजाऊ बनाया, उनको धक्के मार कर बाहर निकाला जा रहा है, उस नरेंद्र मोदी का पंजाब से क्या वास्ता। अंबिका सोनी की रैलियों में बेशक भारी भीड़ जुट रही हो, लेकिन उसके बावजूद वो गांव-गांव जाकर लोगों से सीधा संपर्क बनाने की कोशिश भी करती हैं। कई बार शेड्यूल में कोई कार्यक्रम नहीं होता है, लेकिन लोगों के आग्रह पर वो छोटी सभाओं में पहुंच जाती हैं। लेकिन वो इन सभाओं में सिर्फ दुआ सलाम तक ही सीमित रहती हैं, क्योंकि उन्हें अपने अगले मुकाम पर समय पर पहुँचना है। 2004 और 2009 में श्रीमती सोनिया गांधी के नेतृत्व में, कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए लगातार सत्ता में आई, लेकिन जब राहुल गांधी ने नेतृत्व लिया है, क्या आप मानती हैं कि बेहद मुश्किल दौर में उनके हाथ में चुनाव प्रचार की कमान आई है या पार्टी संगठन की कमान आई है? देखें, इसमें ये मेरे चुनाव से रिलेटेड प्रश्न नहीं है, और मैं आपको कहना चाहती हूँ कि कांग्रेस बहुत यूनाइटेड पार्टी है, और हमारे सबकी इच्छा, जब उनको हमने वाइस प्रेसिडेंट बनाया, जिस तरह उन्होंने एक बहुत निष्ठा के साथ और एक सोचे समझे रणनीति के मुताबिक एक पार्टी को इंक्लूसिव ग्रोथ की तरफ करें, वो वीकर सेक्शंस जिनको आज तक उनका हिस्सा नहीं मिल पाया उनको हिस्सेदार बनाएं, महिलाओं को हिस्सेदार बनाएं, युवा पीढ़ी को उत्साहित करें और ठीक रास्ते पर लगाएं। बेसिकली जनरल तौर पर ये इसके अंदर आप, मगर डॉक्टर मनमोहन सिंह भी इसका बहुत बड़ा श्रेय सोनिया गांधी को मिलता है कि पार्टी चाहती थी 2004 में सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बने, और उनको मालूम था कि आर्थिक स्थिति ऐसी है एनडीए के 6 साल के राज के बाद, तो कि बहुत काम करने की ज़रूरत थी। उन्होंने सबसे हमारे आर्थिक विद्वान अंतर्राष्ट्रीय स्तर के इकोनॉमिस्ट डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया, और 10 साल उन्होंने बखूबी सरकार चलाई है पंजाब में। 2009 के चुनाव में आप खुद जानते हैं कि जो अक्सर मिडिल क्लास विपक्ष के साथ जाना पसंद करती थी, क्योंकि इंसान सदा ज़्यादा तरक्की चाहता जितनी मिली है उस, तो क्योंकि मिडिल क्लास को इतनी गुड डील दी गई थी कि डॉक्टर मनमोहन सिंह वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ द, जिनको श्रेय गया था 2009 की विक्ट्री का। ये
अंबिका सोनी मोटे तौर पर अपने भाषण स्थानीय मुद्दों पर केंद्रित रखती हैं, लेकिन पंजाब के साथ अपने रिश्ते और कांग्रेस की नेता और केंद्रीय मंत्री के तौर पर अपने काम का जिक्र बड़े सलीके से अपने भाषण में कर देती हैं। जब वो सभा स्थल पर पहुंचती हैं तो लोगों के रिस्पॉन्स से अंदाजा हो जाता है कि उनके हाई प्रोफाइल होने का लाभ उन्हें मिल रहा है। लेकिन आपकी पार्टी ने जो दावा किया है कि आप लोगों ने कानूनी अधिकार दिया है, यहाँ पर भी आटा दाल स्कीम है, लेकिन कल को अगर सरकार के पास पैसा ना हो या कोई भी वजह देकर सरकार उस योजना को बंद कर सकती है, लेकिन यूपीए सरकार ने बाकायदा कानूनी अधिकार दिया है, आप उसको मना नहीं कर सकते, उस योजना को बंद नहीं कर सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं क्या आपको ये महसूस होता है कि जब आप लोगों से सीधी बात करते हैं कि जितना काम आपकी सरकार ने किया उतना शायद लोगों तक वो बात पहुंची नहीं कि किस किस तरह के काम आपने किए? ऐसे हो, लोगों की राय ज़रूर है, और अब मैं देखती हूँ कि कई दफ़ा जब मैं चीज़ों का जिक्र करती हूँ तो कुछ लोग बाद में मेरे से प्रश्न करते हैं कि अच्छा ये संभव है। लेकिन दूसरी तरफ कल एक मीटिंग में मुझे एक व्यक्ति ने, जो एक्स नेवी का व्यक्ति है, जो मतलब आर्म फोर्सेस में काम किया है, उसने एक पूरे कागजात और एक डायरी सिर्फ आरटीआई में 10 रुपये की एप्लीकेशन डालकर इतनी जानकारी हासिल की कि भाई पंजाब सरकार को केंद्र से कितना पैसा आया, स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए, जिम सेट्स को बढ़ावा देने के लिए यहाँ गांव देहात में छोटे स्टेडियम बनते हैं, और बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स पर कबड्डी हो और ऐसे जो इंडिजिनस स्पोर्ट्स हैं उनको मिलता है, तो कितना पैसा आया, कहाँ लगा, किसके नाम पे लगा, फर्जी बिल कहाँ है। उसने ऐसी एक इसको एक हथियार बनाते हुए आरटीआई के हक को उसने इतनी जानकारी हासिल की। मैंने माइक से टीवी कैमरा दूरदर्शन वगैरह सब थे, दिखाया कि ये देखो जो अधिकार यूपीए सरकार ने आपको दिया है, एक रिटायर्ड ऑफिसर ये सब कुछ जानकारी हासिल कर सकता है। अब आपको पता है कि आपका स्टेडियम क्यों नहीं बना, आपके नौजवानों को जिम सेट्स क्यों नहीं मिल रहे, क्योंकि इन्होंने पता कराया, क्यों इसके बावजूद आप वोट देना चाहते हैं जी? बहुत बहुत शुक्रिया अंबिका सोनी जी हमसे बात करने के लिए। तो अंबिका सोनी जी का एक लंबा अनुभव है संगठन और सरकार में काम करने का, संसद में भी वो मौजूद रही हैं, वो घोषणा पत्र जो कांग्रेस का है उसको हमेशा अपने साथ रखती हैं, उनको जबानी याद है क्योंकि उनका लंबा अनुभव है, वो सूचना प्रसारण मंत्री रही हैं, सरकार की नीतियों के बारे में लोगों को बताती रही हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव में ज़मीनी मुद्दे उनकी नज़र में ज़्यादा अहम हैं और वो बहुत आसानी से लोगों के साथ उन ज़मीनी मुद्दों को लेकर और राष्ट्रीय स्तर पर उनकी पार्टी ने जो मुद्दे उठाए हैं और जो अभी तक उनकी अचीवमेंट्स हैं उनको बखूबी जोड़ते हुए मतदान की अपील करती हैं कांग्रेस के पक्ष में मतदाताओं से। श्याम सुंदर, राज्यसभा टीवी, आनंदपुर साहिब।